नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिवानी एस्ट्रो चैनल में। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पंचधा मैत्री के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसका षटबल में काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होता है। अगर पंचधा मैत्री के हिसाब से कोई ग्रह आपस में अधिमित्र हैं तो उनको ज़्यादा बल मिलता है मित्र के मुकाबले। तो मतलब अगर मान लीजिए कि मित्र को अगर 30 बल मिलता है तो अधिमित्र को 40 बल मिलता है या 45 बल मिलता है। तो इसलिए ये जानना जरूर बड़ा ज़रूरी है कि कौन सा ग्रह किसका अधिमित्र है, कौन सा ग्रह किसका अधिशत्रु है इत्यादि। ग्रह के मित्र और नैसर्गिक कौन कौन से मित्र हैं ग्रह के, कौन शत्रु हैं, कौन सम है, वो तो आइडिया आप लोगों को होता ही है, एक टेबल है उसकी, उसको याद कर सकते हैं। लेकिन उसको भी निकालने के लिए, अगर टेबल आपके पास बाई चांस ना हो और आप बाई चांस आपको ध्यान ना आए, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है कि जिस भी ग्रह के मित्र आपको निकालने हैं उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को आप लग्न बना लीजिए। सपोज कीजिए कि हम लोगों को बुध के मित्र निकालने हैं कि बुध ग्रह के कौन कौन से मित्र हैं। तो बुध ग्रह देखते हैं, तो बुध ग्रह के मित्र देखने के लिए हमें देखना है मित्र कौन है, शत्रु कौन है और सम कौन है। तो मित्र देखते हैं, शत्रु देखते हैं और सम देखते हैं, क्यों तीन कैटेगरी होती है नेचुरल्स में, नैसर्गिक मित्रता में, नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक सम और नैसर्गिक शत्रु। अब ये हम देखना चाहते हैं बुध के, तो बुध की मूल त्रिकोण राशि क्या है? तो बुध की मूल त्रिकोण राशि है 6 नंबर, तो 6 यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमने लिख लिया। अब इसको लग्न बना लिया हमने। तो मैंने आपको बताया कि जिस भी ग्रह के मित्र, शत्रु या सब निकालने हो, उस ग्रह की, उस ग्रह से दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, आठवें भाव में, नौवें भाव में और बारहवें भाव में, इनमें बैठी जो राशियां हो, बारहवें भाव में इनमें जो राशियां हो, उनके स्वामी उस ग्रह के मित्र होते हैं। या किसी भाव में उसकी उच्च की राशि आ रही हो तो उसका स्वामी भी उसका मित्र होता है। सपोज कीजिए हमें बुध का निकालना है, हमें बुध के मित्र निकालने हैं। तो बुध के मित्र निकालने का मतलब हुआ कि जहां बुध की मूल त्रिकोण राशि है, इसका हमने लग्न बना लिया, उससे दूसरे, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें और बारहवें भाव में जो भी राशि है, उस राशि का जो स्वामी है वो, और कोई उसकी उच्च राशि आती है बुध की, उसका स्वामी है वो आपस में मित्र होंगे। अब जैसे निकालते हैं, देखिए बुध का, देखिए बुध का अगर आप देखें तो बुध दूसरे भाव में, बुध की हमने मूल त्रिकोण राशि को लग्न माना लिया, तो दूसरे भाव में कौन सी राशि है, शुक्र की राशि है, तो शुक्र मित्र हो गया। चौथे भाव में कौन सी राशि है, गुरु की राशि है, तो गुरु मित्र हो गया। पांचवें भाव में कौन सी राशि है, शनि की राशि है, तो शनि मित्र हो गया। छठे भाव में कौन सी राशि, छठा तो छोड़ दीजिए, आठवें भाव में देखिए कौन सी राशि है, मंगल की राशि है, तो मंगल मित्र हो गया। नवे भाव में किसकी राशि है, शुक्र की है, तो शुक्र ऑलरेडी आ चुका है। और बारहवें भाव में किसकी राशि है, पांच नंबर, सूर्य की, तो सूर्य मित्र हो गया। तो इस तरीके से बुध के ये तो निकल गए मित्र। अब बुध के शत्रु निकालेंगे, शत्रु के लिए फिर कौन सा भाव हुआ, 3, 6, 7, 10, 11 एंड 3, 6, 7, 10, 11 ठीक है, पूरी राशियां आ गई है इसमें, 3, 6, 7, 10, 11 एक नंबर तो सेम वही होता है, इसलिए एक नंबर लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं। तो ये 6 राशि ये हो गई है, 6 ये हो गई है और 6 ऊपर हो गई है। तो तीसरे भाव में देखिए, बुध का शत्रु तो होगा नहीं ना, इसलिए मैंने एक नंबर छोड़ दिया है। तीसरे भाव में देखिए, तीसरे भाव में 8 मंगल की राशि है, तो मंगल शत्रु हो गया। छठे भाव में देखिए किसकी राशि है, छठे भाव में गुरु की राशि है, तो गुरु भी शत्रु हो गया। सातवें भाव में किसकी राशि है, सातवें भाव में गुरु की राशि है, तो गुरु हमने ले लिया ऑलरेडी। दसवें भाव में किसकी राशि है, दसवें भाव में अगर हम देखें तो बुध की राशि है, तो बुध ऑलरेडी बुध है ही, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है लेने का। ग्यारहवें भाव में किसकी राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो चंद्र हमने ले लिया, ये चंद्र शत्रु हो गया बुध का। तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। शत्रु का एक बार और चेक कर लेते हैं, तीसरा भाव,
तीसरे भाव में मंगल की राशि है, मंगल हमारा शत्रु हो गया। छठा भाव, छठे भाव में शनि की राशि है, सॉरी ये शनि है, गुरु ले गया इसको, ये शनि की राशि है तो शनि शत्रु हो गया। और सातवां भाव में कोई राशि नहीं है, सातवें भाव में गुरु की राशि है तो गुरु भी यहाँ पे शत्रु हो जाएगा। दसवें भाव में कोई राशि नहीं है, दसवें भाव में बुध की राशि है तो बुध छोड़ दीजिए। ग्यारहवें भाव में चंद्रमा की राशि है तो चंद्रमा यहाँ आ गया। तो ये देखते हैं, तो इस तरीके से ये शत्रु निकले और ये मित्र निकले। लेकिन इसमें एक चीज देखने वाली है कि इसमें मंगल यहाँ भी है और मंगल यहाँ भी है, तो मित्र प्लस शत्रु ये सम बन जाता है, इसको हम सम कर देंगे, यानी मंगल हमारा सम में आ जाएगा। शनि यहाँ भी है, शनि यहाँ भी है तो ये भी कट जाएगा। तो शनि एक मित्र है, एक शत्रु है, तो यहाँ शनि सम बन जाएगा। गुरु देखिए, गुरु यहाँ पे भी है और गुरु यहाँ भी है, तो गुरु भी यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुध के मित्र हुए वो हुए शुक्र और सूर्य, सम हुए मंगल शनि और गुरु, शत्रु हुए चंद्र। तो ये तीन चीज हमारी इसमें आ गई कि बुध इनको मित्र मानता है, इनको सम मानता है, इनको शत्रु मानता है। तो ये तो सिंपल वे में हमारा निकल गया, नैसर्गिक रूप से, नेचुरल वे में सिंपल। फिर इसी के अंदर हम तात्कालिक रूप से भी निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ बुध है और यहाँ यही मंगल बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है, यहाँ सपोज कीजिए शुक्र बैठा है, यहाँ सपोज कीजिए शनि बैठा है, यहाँ राहु है, इधर केतु है, इधर बृहस्पति है, इधर चंद्र है। मतलब कुंडली, ये कुंडली बनी हुई है किसी जातक की। इस कुंडली में अगर हमें देखना हो कि बुध के कौन पंचदा मैत्री की तरफ से, बुध के कौन अधिमित्र आते हैं, कौन मित्र आते हैं, कौन से नहीं आते हैं पंचदा मैत्री के हिसाब से, तो पंचदा मैत्री के हिसाब से कैसे देखें हम लोग इसको। तो पंचदा मैत्री में क्या होता है, ये नेचुरल फ्रेंडशिप आ गई, उसके अलावा टेम्परेरी फ्रेंड और टेम्परेरी शत्रु निकालते हैं। मैं TF लिख रहा हूँ, टेम्परेरी फ्रेंड के लिए और टेम्परेरी एनिमी के लिए। तो किसी भी ग्रह के अगर हमें टेम्परेरी फ्रेंड निकालने हैं तो उस ग्रह से दूसरे, तीसरे, चौथे, दसवें, ग्यारहवें एंड बारहवें भाव में जो भी ग्रह हों वो उसके टेम्परेरी फ्रेंड बन जाते हैं। उसके अलावा जहाँ ग्रह दूसरे ग्रह बैठे होंगे जिस बलक भाव में, जो बचे भाव इसके अंदर, उसमें उसके वो ग्रह के टेम्परेरी एनिमी बन जाते हैं। अब जैसे अगर हम बुध का ही हम देख रहे हैं तो बुध का देखिए, बुध का मंगल क्या हुआ, मंगल तो चूंकि उसी भाव में है, दो नंबर भाव में नहीं है, एक ही भाव नंबर में है, तो टेम्परेरी एनिमी बन गया, तो बुध एनिमी, मंगल एनिमी हो गया, टेम्परेरी एनिमी। सूर्य क्या हुआ, सूर्य दूसरे भाव में है तो सूर्य इनका टेम्परेरी फ्रेंड हो गया। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इधर लिखने में आसानी रहेगी आपकी। 2, 3, 4, 10, 11 और 12 तो सूर्य बुध का टेम्परेरी फ्रेंड आ गया, ये दूसरे भाव में है। शुक्र तीसरे में है तो शुक्र भी टेम्परेरी फ्रेंड आ गया। शनि चौथे में है तो शनि भी टेम्परेरी फ्रेंड आ गया। ये पांचवा छोड़ दीजिए तो राहु तो शत्रु ही हो गया। छठे में कौन है, शनि है। छठा इसमें कौन सा है, नहीं छठा इसमें नहीं है तो ये तो खैर अलग हट गया, शनि इसमें ग्रह नहीं है यहाँ पे। सातवें में कोई ग्रह नहीं है, आठवें में कोई ग्रह नहीं है, नौवें में कोई ग्रह नहीं है। दसवें भाव में बृहस्पति ग्रह है तो दसवां भाव में जो ग्रह बैठा होता है वो भी मित्र माना जाएगा, तो ये भी टेम्परेरी फ्रेंड आ गया बृहस्पति। टेम्प्रेरी एनिमी मतलब मंगल ही इसमें आया है क्योंकि वो साथ बैठा हुआ है। अगर वो भी 2, 3, 4, 10, 11 भाव में प्लेस होता वो फ्रेंड नहीं बनता। तो देखिए ये टेम्प्रेरी फ्रेंड आ गए, ये टेम्प्रेरी एनिमी आ गए। अब इसमें एक चीज आप देखिए कि मंगल अभी तक तो बुध और मंगल आपस में सम है, बुध मंगल को सम मानता है, सम है बुध मंगल को सम मानता है। लेकिन अब क्या हुआ, कुंडली के हिसाब से जब बुध और मंगल एक साथ बैठ गए, अब क्या हुआ कि अब बुध मंगल को शत्रु मानता है। क्यों, क्योंकि बुध का नेचुरल फ्रेंड तो है सम, मंगल नेचुरली सम तो आता है, सम तो मंगल है बुध का, लेकिन यहां टेम्परेरी एनिमी भी आ गया तो सम और शत्रु मिलके आपस में शत्रु बन जाते हैं। तो सम प्लस शत्रु आपस में शत्रु बन जाते हैं, तो इसलिए शत्रु हो गया। इसी प्रकार से मित्र प्लस मित्र आपके अधिमित्र हो जाते हैं, अधिमित्र। जैसे इसमें आपको मैं आपको बताऊं एक, ये देखिए जैसे सूर्य है, सूर्य इसमें टेम्परेरी फ्रेंड आता है,
और सूर्य मित्र भी है बुध का, तो बुध और सूर्य दोनों जो हैं आपस में अधिमित्र बन गए, तो सूर्य अधिमित्र हो गया, तो सूर्य मित्र ना रहा अधिमित्र हो गया, तो सूर्य अच्छे रिजल्ट देगा इसको बुध को, बहुत बुध के लिए नुकसान नहीं करेगा क्योंकि बुध का अधिमित्र हो गया। तो सिंपल सी बात है कि सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ होते हुए भी बुध का बहुत नुकसान नहीं करेगा, चूंकि धन वहां बैठा हुआ है धन भाव में और सूर्य इनका बुध का अधिमित्र है, तो बुध लग्न का मालिक है, लग्नेश है, और लग्नेश का अधिमित्र जो है वो लग्नेश का ज्यादा बुरा नहीं करता, लग्नेश के भावों का ज्यादा बुरा नहीं करता, तो सूर्य इतना ज्यादा बुरा नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम निकालेंगे शत्रु, शत्रु भी देख सकते हैं, अब शत्रु शत्रु देखेंगे तो शत्रु प्लस शत्रु मिलकर अधिशत्रु बन जाएगा, मित्र और शत्रु होंगे दोनों मिलकर आपस में सम बन जाएंगे, तो ये चीज हमें ध्यान देनी होती है। जैसे एक इसमें और देखते हैं कि शुक्र है, शुक्र यहां पे टेम्परेरी फ्रेंड आया है, और शुक्र यहां पे कहा है, शुक्र शत्रु में नहीं है, शुक्र मित्र में है, तो यहां भी है, तो शुक्र भी टेम्परेरी फ्रेंड भी है और मित्र भी है, तो अधिमित्र बन गया। तो इस तरीके से हम लोग ये अधिमित्र पंचधा मैत्री के अंदर से निकाल लेते हैं, जिसका बहुत उपयोग होगा षटबल के अंदर जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में करके पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरा प्रयत्न करूंगा। और बस इतना ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे करने के लिए। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।